शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर वोल्टा एक्स रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मतीन की वालदा हूँ और मेरे बेटे सैयद मतीन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 376 का केस लगाया गया रेप का और ये बेबुनियाद और झूठ है। और दूसरी बात यह है कि मेरे बेटे सैयद मोहसिन पूना से उस पर जो है तो सैयद मतीन को मदद किया और मेरा बेटा सैयद मोहसिन और मेरा दामाद मोहम्मद हामिद ये दोनों पर भी इल्ज़ाम लगाया गया और पूना से इन पर कंप्लेन की गई जबकि वो औरंगाबाद शहर में रहते, पूना से कोई ताल्लुक नहीं। और जो सैयद मतीन का जो मैटर था वो पूना में रहती वो और वो नगर सेविका है और वो नगर सेविका का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरी अवाम से अदबन गुजारिश है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है इसकी तफ्तीश करें। सैयद मतीन का मसला हुए 6 महीने गुजर चुके। 6 महीने के बाद अचानक मतीन के ऊपर 376 का केस क्यों डाला गया। इतने रोज से ये लोग क्या कर रहे थे। अगर ये सही रहता तो ये उसी वक्त करते थे लेकिन ये सही नहीं है, ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। जो कॉर्पोरेटर ने मतीन के ऊपर जो कंप्लेन की है उनके वालिदा हमारे घर पर आए थे और वो हमको दुआएं दे रहे थे कि मतीन सैयद मतीन ने जो है तो मेरे बेटी को एक फरिश्ता बनकर बचा दिया, मैं उसको दुआ देती हूँ। जब वालदा ऐसी दुआ दे रही तो फिर उनके घर के लोग ऐसे झूठे केस झूठी भांते खड़ कर क्यों हमको तकलीफ दे रहे। और हम पुलिसों को कुछ नहीं दे सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं, ना हम वकीलों को कुछ दे सकते। जो हमारे पास था हमने कर्जा करके हमने दे दिए लेकिन अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और हमारे बच्चे भी भूखे हैं और हमको इतना सताया जा रहा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतना सताया जा रहा, हमारे बच्चे दहशत में है घर में। पुलिस हमारे घर पर एक दो बार आई थी, बच्चों को क्या समझता, बच्चे दहशत में है। 4-5 कॉर्पोरेटर्स है और इसमें इन्वॉल्व है वो, जब इत्तेहाद की पार्टी है। हमको ताज्जुब ये हो रहा है कि ये इत्तेहाद ऐसा कैसा है इनका कि एक इंसान को बारह तकलीफ दे रहे और उसके घर के लोगों को भी तकलीफ दे रहे, ये सही नहीं है। मैं असदुद्दीन अवैसी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो हमारी मदद करे। और हमारे घर में रोज़ा इख्तियार करने के लिए पैसे नहीं है और सहरी करने के भी लिए पैसे नहीं है और हमारे दिन कैसे निकाल रहे हमको मालूम है और अल्लाह इसको जानता है खूब, मगर ये लोग हैं कि हमको पे दर पे तकलीफ देते जा रहे हैं और वकीलों को भी मैनेज किया जा रहा है। हम वकील लगा रहे हैं इतनी दौड़ धूप करके किधर से भी कर्जा उठा के और वो क्या कर रहे हैं जाकर उसको मैनेज कर रहे हैं। हम जितने पैसे दिए उससे 3-4 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और उसको मैनेज किया जा रहा है, तो हमारा मसला कैसा हल होगा। तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे फायद हैं उनसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो हमारी खबर ले, हमारी खैर खैरियत ले। कभी हमारे घर पर वो आए नहीं जबकि मतीन असदुद्दीन अवैसी साहब का चहीता कॉर्पोरेटर था, अपने बच्चे के जैसा वो चाहते थे। लेकिन आज ऐसा उन्होंने जो है तो कभी मतीन भैया ने पूछे नहीं कि उनका काम यह है कि तहकीक करना चाहिए। उन्होंने गलत फहमियों में आकर कोई डिसीजन लेने से पहले उनका ये फर्ज बनता है। वो हमारे खायद भी है और मेरे दीनी भाई है, तो अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए उन्होंने हमारी खैरियत पूछना था लेकिन नहीं पूछे, कोई बात नहीं है। और क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है हकीकत क्या है, तो उनका ये फर्ज है कि वो हमारी हकीकत जान ले। और आज हमारे घर में बच्चे हमारे भूखे हैं और ये रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है
और हमारे घर में कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, और हम परेशान हाल है। और उसमें से ये हमारे को बार बार पुलिस हमारे घर पर आती है, बगैर ड्रेस के आती है, और उनको भेजा जाता है यहाँ पर के मतीन, सैयद मतीन कहाँ है, उनको बोलो किधर उधर फिरना, नहीं तो हम आरिश कर लेंगे और जमानत नहीं होंगी, 5 महीने जमानत नहीं होंगी। एक बार हमारे घर पर जो है तो बगैर ड्रेस के 2 पुलिस वाले आए और सीधा गेट खोल के अंदर है। ये ऐसी कैसी जबरदस्ती है पुलिस वालों की? यहाँ पर लेडीज रहती वो रहती, हम दो ही लोग थे, फिर हमको बोले कि भाई वो उसको समझा दो, नहीं तो आपके ऊपर जो है तो केस किया जाएगा और उसकी बेल नहीं होंगी 5-6 महीने। उसने क्या करा क्या नहीं करा वो आपको नहीं मालूम, हमको ऐसी धमकी दे कर गए। सैयद मतीन गलत है या सही है ये अल्लाह बेहतर जानता। अगर सैयद मतीन गलत है तो मैं उसकी माँ, एक जमात की रुकने जमात हूँ मैं सैयद मतीन का साथ नहीं दूंगी। लेकिन हकीकत का जानने वाला अल्लाह है, सैयद मतीन गलत है या सही है ये तो अल्लाह फैसला करेगा और कोर्ट भी फैसला करेगा। लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दे और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मैं अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी एक बहन और उसके ख़ानदान का साथ दे। और पूरे ख़ानदान को हमको टारगेट बनाया गया है और हमारा चलना फिरना मुश्किल है बाहर, हमारे अंदर इतनी दहशत फैलाए हुए हैं वो लोग कि हम बयान भी नहीं कर सकते इस बात को। ये तो अल्लाह बेहतर जानता, हम जो भी बोलेंगे अल्लाह को बोलेंगे, अल्लाह काफ़ी है। लेकिन कि मैं आवाम से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दे और कमिश्नर साहब से भी मैं अदबन गुजारिश करती हूँ, एक अपनी बहन समझकर, अपनी बहन का खानदान समझकर वो हमारा साथ दे। तो मैं तमाम अवाम से गुजारिश करती हूँ, अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दे, सच का साथ दे। अगर आप लोग सच का साथ देंगे तो अल्लाह ताला इसका आपको अजर भी देगा और आपसे राजी भी होगा।